पूरे देश में नीट यूजी के नतीजे घोषित हो चुके हैं, किंतु इस प्रक्रिया में रिजल्ट में हुई फेरफार और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा वैरायटी चौक पर आंदोलन किया गया, जहां आंदोलकों ने इस मामले में SRT जांच की मांग की है। गौरतलब है कि देश में मेडिकल शिक्षा में स्थान प्राप्त करने के लिए नीट यूजी यह सर्वोच्च परीक्षा ली जाती है, जहाँ इस साल के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए, जब पाया गया कि 70 छात्रों ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं। राजस्थान के केंद्र पर एक ही केंद्र से 14 छात्रों ने टॉप किया है, जिसके चलते इन नतीजों पर सवाल उपस्थित होता है कि आखिर इतने टॉप के नतीजे कैसे है। तो वही की परीक्षा केंद्र पर कम समय दिए जाने से ग्रेस अंक दिए गए और पेपर लीक की संभावना भी तेज है। आखिर यह किन नियमों के मद्देनजर किया गया है, ऐसा जघन्य सवाल उपस्थित करते हुए APVP के छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया, जहां APVP की विदर्भ प्रांत मंत्री पाल किन्नाके ने सवाल उपस्थित करते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA की उच्च स्तरीय जांच करने और कार्रवाई करने की मांग की है, जहां नारेबाजी करते हुए आंदोलकों ने अपनी मांगे रखी। आपल्याला माहिती आहे की नीट ही परीक्षा वैद्यकीय क्षेत्रातली सगळ्यात मोठी परीक्षा आहे। या परीक्षेच्या मध्ये NTA थ्रू गोंधळ झालेला आपल्याला आढळून येत आहे। आपल्याला माहिती आहे की ही परीक्षा जी आहे ही खूप कठीण परीक्षा आहे। या परीक्षेमध्ये विद्यार्थी जे आहे हे वर्षभर अभ्यास करून बसत असतात। एका सेंटरवरच्या विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळणं म्हणजे ठीक आहे, आपण असे गृहीत धरू शकतो की वेगवेगळ्या सेंटरच्या विद्यार्थ्यांना 720 मार्क्स मिळतात, परंतु एका सेंटरवरच्या विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळणं हे कुठेतरी संशयाची गोष्ट आहे। त्यामुळे हा प्रश्न NTA आपण निर्माण करत आहोत। त्यात दुसरी बाब म्हणजे हा जो रिझल्ट आहे हा 14 जूनला लागणार होता, परंतु हा रिझल्ट असं विद्यार्थी परिषदेला म्हणायचं की जाणून या गोष्टीकडे नीट एक्झाम ज्या दिवशी लोकसभा निवडणुकीचं जे परिणाम यायचे होते त्या दिवशी म्हणजे 4 तारखेला याचा रिझल्ट लावण्यात आला। हा रिझल्ट 4 तारखेला म्हणजे 10 दिवसापूर्वी का लावण्यात आला, म्हणजे ह्या नीट सारख्या परीक्षेचा जे सगळं काही दृश्य आहे आपण दृष्टी तिकडे न घालवता ह्या सगळ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करावं, हा NTA एक जो त्यांचा केलेला एक कारभार होता। NTA जे आहे आता जर लक्षात आलं तर NTA जाणून बुजून काही विद्यार्थ्यांचा फायदा करण्यासाठी काही विद्यार्थ्यांचा फायदा करून घेण्यासाठी बाकी विद्यार्थ्यांसोबत भ्रष्टाचार करून राहिली आहे, बाकी विद्यार्थ्यांचा स्कॅम करून राहिली आहे, बाकी विद्यार्थ्यांचा भविष्यासोबत खेळ करून राहिली आहे। या NTA तुरुंगात पोहोचवण्यासाठी आणि नीटच्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि या झालेल्या प्रकरणाची कारवाई CBI जांचद्वारे होण्यासाठी आज इथे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विदर्भ प्रांत आणि नागपूर महानगर आंदोलन निदर्शने करून राहिलेली आहे। आणि एवढंच नाही, इथेच नाही तर या देशाच्या भवितव्याची, जसं की आपण म्हणतो डॉक्टर हे देशाचे देव म्हणून आपण पूजतो, तर या लोकांची परीक्षा या लोकांच्या परीक्षेमध्ये असा गोंधळ जर आढळून येत आहे तर विचार करा पुढच्या दृष्टीने त्यांचं भविष्य आणि त्यांच्या सोबत आपल्यासारख्या जनसामान्याचं भविष्य काय आहे हा सुद्धा प्रश्न निर्माण होत आहे। इस समय जानकारी देते हुए APVP नागपूर महानगर सहमंत्री नुपुर देशपांडे ने कहा कि नीट यूजी 2024 का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया था। इसमें पूरे देश में 70 छात्रों ने शीर्ष रैंक हासिल किया और राजस्थान राज्य के एक परीक्षा केंद्र से कुल 14 छात्रों ने शीर्ष रैंक हासिल किया है। इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा परिणाम इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मैं सभी छात्रों की ओर से मांग करते हैं कि इस मामले की CBI जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इस समय बड़ी मात्रा में थालियां पीटकर आंदोलन किया गया और NTA के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आजकल ये जो आंदोलन है ये नीट एग्ज़ाम के लिए होने जा रहा है। नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट जो 14 जून को आने वाला था वो 10 दिन पहले 4 जून को आ चुका है, और ये रिजल्ट में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिले जा रहे। एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे 14 लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स मिले जा रहे, तो इसमें पेपर पहले लीक हुआ है क्या? फिर यहाँ पे कितनी मुश्किलें आई है बच्चों को, बहुत तकलीफें हो रही है इन सब चीज़ों के वजह से। जिन्होंने पहले से पढ़ाई की है उन लोगों को मार्क्स कम मिले, और लिमिटेड बच्चों पर फोकस किए जाकर उन लोगों को ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं, ये सब प्रश्न निर्माण आते हैं। तो इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा CBI जांच
मांग की जाती है और ये आज आंदोलन पूरे भारत भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।